व्यवस्था के नाम पर वो फर्नीचर पड़ा हुआ है और वो अभी तक नहीं लगा है और कर्मचारी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वहाँ कुर्सी की व्यवस्था है या वॉशरूम की व्यवस्था है जो बताया जाता है बस प्रोजेक्ट फाइलों में घूमता रहता है, अभी तक उसका रिपेयर का कार्य नहीं हुआ। मेरा यही निवेदन है, अभी इसकी रिपेयर हुई परीक्षा विभाग के हॉल की, जब जिस छत पर सीमेंट डाला गया उसका भुगतान भी हो गया तो आखिर किसने इस तरह का कार्य किया, उस तरह के ठेकेदार को रेस्टिकेट किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाई आखिर रिपेयर हुआ, पैसा बर्बाद हुआ पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं की। जर्जर बिल्डिंग है, कर्मचारी उसमें काम करते हैं, बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात हुआ है एक दो बार रिकॉर्ड भी खराब हो रहा है। जी जी, एक बार हुआ है, हमारा कर्मचारी एक जब ईंट गिरी थी ऊपर से, उसकी डेथ हुई ईंट गिरने से, उसके सिर में लगी थी। अभी कर्मचारी के ऊपर सीमेंट गिरा, काफी बार बता दिए, पर उसकी रिपेयर कर दी जाती है, उसकी व्यवस्था ही आज तक परमानेंट तरीके से सुनिश्चित नहीं की गई है। मजबूरी है कर्मचारियों ने आज, क्योंकि हम भी छात्रों से जुड़े हुए हैं, छात्र काफी परेशान बाहर खड़े हुए हैं कि आगे जब सब कुछ सिर से ऊपर हो गया है तब आके कर्मचारियों ने अपनी बात रखी है कि सुनवाई कैसे हो। जो यहाँ का विश्वविद्यालय का इंजीनियर है वो अपने कार्यों में व्यस्त होता है, नए कार्य में उसका ध्यान रहता है, रिपेयर के काम में कर्मचारी कार्य। मुलाकात हुई अधिकारियों से? अधिकारियों ने अभी विभाग का संज्ञान लिया है, उन्होंने विजिट किया है जाकर, अब हम लोग जा रहे हैं सभी लोग, और उन्होंने क्या स्थिति रखी है, किस तरह व्यवस्थाएं इनको सुनिश्चित किया जाएगा कि इनके विभाग से काम पर लौटेंगे, काम पर लौटेंगे। अभी ये देखते हैं कि इन लोगों के जो रिकॉर्ड्स हैं और सेक्शंस हैं वो भाई जो संस्थान है सामने इसमें रूम्स खाली हैं वहाँ शिफ्ट कर दिए जाएं, जैसे छात्रों की समस्या मार्कशीट का निदान भी हो सके। हम लोग अनावश्यक तरीके से कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहते, पर हमारी मजबूरी है कि आज इस तरह से अवगत कराया गया कर्मचारियों को, ये काफी दिनों से बता दिया कि कर्मचारी किस अवस्था में कार्य कर रहे हैं। ये हड़ताल नहीं की है, एक सांकेतिक हड़ताल है केवल अधिकारियों को बताने के लिए कि विश्वविद्यालय जिस जर्जर हालत में है, कभी छात्रों के ऊपर सीमेंट गिर जाता है, कभी कर्मचारियों के ऊपर, एक कर्मचारी की तो डेथ हो चुकी है यहाँ पर ईंट गिर के, और अंदर कई बार पंखा गिरा हमारे कर्मचारी के ऊपर, और बीएड विभाग में चंद्रवीर सिंह के ऊपर गिरा, नीरज अग्रवाल जी के ऊपर कई बार जो मलबा गिर चुका है, पर अधिकारी तो यहाँ पर कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। अच्छा, बीच में छलेसर के हमको शिफ्ट करने की बात हुई थी, छलेसर करा दो या जलेसर करा दो, अधिकारी तो विश्वविद्यालय में आते ही नहीं है। तो जो आला अधिकारी विश्वविद्यालय के, उन्होंने 6 महीने से विश्वविद्यालय प्रांगण में आने की जरूरत ही नहीं की, तो वो हमारी समस्याओं को क्या उठाएंगे, क्या सुनेंगे। जर्जर बिल्डिंग में आप काम करते हैं, पूर्व में हादसे भी हो चुके हैं, अब भी सुनवाई नहीं होती, फिर आगे क्या करेंगे? आगे नहीं होती है तो हम काम बंद कर देंगे। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।